तो देखिए ये बनने जा रही है आलू की टिक्की, जिसके लिए हमने आलू उबाल के उसका पेस्ट बना लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कटा हुआ धनिया, हरी मिर्च, अदरक और भुना हुआ जीरा और धनिया का पाउडर। ये सब कुछ इसमें डाल के अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हींग, और थोड़ा सा गरम मसाला। इन सबको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ओके गाइस, ये सब मिक्स होके पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी गोल टिक्कियाँ बनाएंगे। थोड़ा सा हाथ में चिकनाई लगा के हम इसके पेस्ट को थोड़ा सा हाथ में लेके इस तरीके से गोल गोल करके गोल शेप में इस तरीके से बना के ऐसे देंगे। इसी तरह हमें पूरे पेस्ट की टिक्कियां बना के तैयार कर लेनी है। तो गाइस ये हमारी टिक्कियां बनके तैयार हो गई हैं। इसको फ्राई करने के लिए हमने बना लिया है ये बेसन का घोल, इसमें है चावल का आटा और थोड़ा सा नमक। अब इस टिक्कियों को इस बेसन के घोल में डाल के फिर हम करेंगे फ्राई, ऐसे जब तक कि हमारा तेल गर्म हो रहा है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इन टिक्कियों को इस बेसन के पेस्ट में ऐसे डिप करके और भी तेल में डाल देंगे। तो गाइस ये हमारी टिक्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अभी हम इसे सर्व करेंगे टमेटो सॉस के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अंदर से कितनी सॉफ्ट और अच्छी बनके तैयार हुई है, तो इसे हम टमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं।